हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम है मोहम्मद अयूब सैफी। दोस्तों, आज मैं आपको फ्रंट डोर पर मार्जिन लगाकर दिखाऊंगा। मार्जिन किस प्रकार लगाते हैं, सरल और आसान तरीके से। चलते हैं साइड पर और वीडियो शुरू करते हैं। और हम आ गए साइड पर। यह हमारा रूम का डोर है जहाँ पर हमें फ्रंट डोर लगाना है, और ये हमारे फ्रंट डोर की बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। यहाँ पर हम डोर फ्रेम में सबसे पहले अपने फ्रंट डोर को रखकर देखेंगे कि हमारा कहाँ पर प्लानर लगना है, यानी कि कब्जे वाली साइड। इस तरह से यहाँ पर मैंने अपने डोर को चेक किया, और चेक करने के बाद यहाँ पर हम प्लानर लगा देंगे। और हमारा प्लानर लगकर रेडी हो गया है। इस तरह से हम दोबारा से अपने डोर को रखकर देखेंगे और चेक कर देखेंगे। यहाँ पर मैंने अपने डोर को चेक किया, राइट साइड की तरफ 6 mm का गैप था, जो कि हम लेफ्ट साइड की तरफ चेक करेंगे कि हमारा जो फ्लोर का ढाल है वो उसमें अंदर की साइड झुकाव तो नहीं है या बाहर की साइड को। इस तरह से यहाँ पर हमारा जो डोर है उसमें लेफ्ट साइड की तरफ हम यहाँ पर 6 mm का कटिंग करेंगे, जैसा कि यहाँ पर हमारा डोर हिल रहा है राइट साइड की तरफ से। और इस तरह से हम यहाँ पर कब्जे वाली साइड 6 mm का निशान लगाएंगे, जिससे कि हम उसकी कटिंग करेंगे। और ये हमने अपने कटर मशीन का लगभग 18 mm के आसपास हमने साइज निकाल रखा ब्लेड का, जिससे कि हम दोनों साइड की तरफ से कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमारे मार्जिन आ गए। मार्जिन के हम 1.5 इंची के 4 पीस कटिंग कर लेंगे, और कटिंग कर देने के बाद हम उनको फेविकोल से यानी कि चिपका लेंगे। और जो हमारे फ्लश डोर का जो साइज है मोटाई का वो 32 mm का है, और जो अपने मार्जिन का जो साइज है वो 35 mm और 10 mm का साइज है। यहाँ पर हम सभी अपने छोटे टुकड़ों को पीस को जोड़ लेंगे, और उस पर हम पन्ने की लेमिनेशन कर देंगे। इस तरह से हमारे जो पीस है हिलेंगे नहीं, और हम इनको लेफ्ट और राइट रख देंगे। इस तरह से यहाँ पर हम रख देने के बाद, क्योंकि हमने इसको डबल किया, हमें डोर के चारों साइड मार्जिन लगाना है। इस तरह से हम ऊपर की साइड में डोर पर निशान लगा देंगे। यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम निशान लगा देते हैं ऊपर की साइड में। और इस तरह से हमने अपने मार्जिन को खड़ा किया, जो कि हमें कब्जे वाली साइड और बराबर वाली साइड इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमने ऊपर की साइड में मार्जिन डबल मार्जिन रख दिया है, और इस तरह से यहाँ पर अपने डोर को मैंने जाम कर दिया बराबर वाली साइड से फंचक लगाकर, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस तरह से मैंने आपको जूम कर दिखाया, यहाँ पर हमने अपने डोर को जाम कर दिया है। और हम फ्रंट साइड से यहाँ पर निशान लगाएंगे हैंडल यानी कि एल ड्रॉप वाली साइड। इस तरह से यहाँ पर मैंने इस केस से निशान लगा दिया है। और मैंने अपने फ्लश डोर को फ्लोर पर लिटा दिया, जो कि मैंने आपको निशान लगा कर दिखाया, और ऊपर की साइड में मैंने आपको निशान लगा कर दिखाया। यहाँ पर हम ऊपर की साइड में हम जहाँ पर हमारा निशान है 6 mm डाउन कर देंगे। डाउन करने से होगा जो हमारा ऊपर नीचे का जो गैप होगा अपना डोर चलने के लिए, उसमें नीचे की साइड 6 mm का यानी कि जगह होगी, इससे कि हमारा डोर सही चलेगा। यहाँ पर हमने दोनों साइड से कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमने अपनी कटर मशीन को 18 mm के आसपास यानी कि उसकी ब्लेड की यानी कि गहराई निकाल रखी है, जिससे कि हमें दोनों साइड से अपने फ्रंट डोर पर चलाना होता है।
इससे ये होता है कि हमारा जो कटर मशीन है वो 4 इंची का ब्लेड की है, उसमें अपना डोर की कटिंग भी आसानी से हो जाती है। और इस तरह से यहाँ पर हमने बराबर साइड वाले दोनों साइड से अपना कटिंग कर दिया, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। हमारी लगभग 19 mm के आसपास की पट्टी उतरी यहाँ पर, और इस तरह से ये भी मैंने आपको कटिंग करके दिखाई। और इस तरह से हम अपने ऊपर नीचे के मार्जिन का कटिंग कर लेंगे, और यहाँ पर हम इसमें कील लगा लेंगे। कील का जो अपना साइज रखना होगा 7 इंची 17 नंबर हेडलेस का साइज होगा। इस तरह से हम सेंटर में एक कील लगा देंगे, और फिर उसके बाद हम अपनी पूरी मार्जिन की सेटिंग कर देंगे। दोस्तों, आप सभी दोस्तों की कमेंट थी, जिस समय फुल डोर वगैरह फिटिंग करता था डोर फ्रेम में, जहाँ पर हमारी साइड चलती थी उसमें, वहाँ पर आप सभी की फरमाइश थी कि आप अपने डोर पर मार्जिन क्यों लगाते। दोस्तों, ये वो तरीका था जो मैंने आपको मार्जिन लगाकर दिखाया, और यहाँ पर हमारा एक साइड मार्जिन लग गया और हम दूसरी साइड भी मार्जिन लगा रहे हैं। इस तरह से हमारे ऊपर नीचे की साइड मार्जिन लग गए, और हम इसको अपने डोर को यानी कि खड़ा कर लेंगे दीवार के सहारे से या डोर के डोर फ्रेम के सहारे से, क्योंकि यहाँ पर साइड पर हमारे पास सिकंजा नहीं है। तो इस तरह से हमने अपने डोर को यानी कि बराबर वाली साइड से खड़ा किया, और इस तरह से यहाँ पर हम इस पर यहाँ पर वाइट ग्लू लगा देंगे पॉलीवुड, और यहाँ पर हम अपने मार्जिन को फिट कर देंगे। मार्जिन हमारा दोनों साइड निकलना चाहिए, जिससे कि अगर एक साइड निकालते हैं तो जैसे कि हम प्लानर लगाएंगे उसमें एक साइड रंदा लगेगा और एक साइड नहीं लगेगा, तो दोनों साइड बराबर निकाल कर लगाना होता है। यहाँ पर हमने एक साइड मार्जिन लगा दिया और दूसरी साइड में मार्जिन लगा रहे हैं, और यहाँ पर हमारे चारों मार्जिन लगकर कंप्लीट है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक प्लानर की सहायता से जो हमारा मोटा मोटा मार्जिन निकला हुआ है उसकी फिनिशिंग करेंगे। चारों साइड अपना इलेक्ट्रॉनिक प्लानर लगाकर उसके बाद हम हैंड प्लानर की सहायता से अपने मार्जिन की फिनिशिंग करेंगे फ्रंट साइड और बैक साइड की तरफ से। ये हमारा प्लानर लग गया है और हमने हैंड प्लानर से अपना फिनिशिंग कर दी है। फिनिशिंग करते समय में इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारे मार्जिन में टेपर नहीं होना चाहिए। अगर हम टेपर रखते हैं तो हमारा जो लेमिनेशन होगा उसमें भी डाल बनेगा, डाल बनने से उसमें आपके मायका बीच में से उठने का चांस रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम चारों साइड से अपना हैंड प्लानर लगा देंगे। एक साइड हमारा पल्ला डोर फिनिशिंग हो गया है, और इस तरह से हम दूसरी साइड लेटाकर यहाँ पर भी हम पैनल लगा देंगे। दोस्तों, जैसा हम अपना डोर रेडी कर लेंगे मार्जिन लगाकर, इसके बाद हम यहाँ पर पंच लगाएंगे, जिससे कि हमारी जो कील है उसको नीचे की साइड लगाएंगे। हमें दोबारा से भी अपने डोर को अपने डोर फ्रेम में सेटिंग करनी होगी। तो दोस्तों, मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि किस प्रकार फिटिंग करते हैं और किस प्रकार हम लेमिनेट लगाते हैं, वो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमारा पल्ला मार्जिन लगकर कंप्लीट हो गया है, और इसको रख देते हैं साइड में। इस तरह से मैंने आपको लेटाकर, हमें कभी भी कोई भी हमारा डोर हो, जाली का डोर हो, फ्लश डोर हो, दिल वाला डोर हो, कोई भी डोर हो, हमें इसी प्रकार उसको खड़ा करना चाहिए। हो सके तो आप उसको लेटाकर भी रख सकते हैं। ये हमारे एक रूम के दोनों डोर के मार्जिन लगकर रेडी हो गए हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत ही मज़ा आया होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देने आपका बहुत बहुत शुक्रिया।